हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कलरेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो कलरेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जानने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सनलाइट। हम लोग बात कर रहे हैं सनलाइट की या विजिबल लाइट की, तो हम लोग देख सकते हैं कि विजिबल लाइट जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स विद ग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर यहाँ से रिलेशन बनाते हैं तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब बात कर रहे हैं 7 पार्ट्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो ये 7 हमने पार्ट बनाए हुए कलर दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड से वायलेट की तरफ जब चलते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, यानी वायलेट कलर के लिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा और रेड कलर के लिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होगा। जबकि हम लोग बात करते हैं लैम्डा, तो लैम्डा रेड कलर के लिए ज्यादा होगा और वायलेट कलर के लिए कम होगा। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं पूछता हूँ आपसे कि जो सिग्नल्स होते हैं ट्रैफिक सिग्नल वो कौन से कलर के बनाए जाते हैं, तो आंसर है रेड। मैं कहता हूँ भाई ब्लू के बना दीजिए, वायलेट के बना दीजिए। ये क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि इन कलर की एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग ज़्यादा होती है तो सिग्नल दिखाई नहीं देगा। इसीलिए रेड कलर के सिग्नल बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है, स्कैटरिंग मिनिमम है, स्कैटर नहीं होता है और दूर से आपको रेड कलर के सिग्नल दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं, तो इसे आप जानते हैं। आप क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए कि डीप ब्लू एलिमेंट जो होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक कलर। आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो वो लाइट का कुछ पार्ट जो होता है एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें से कोई एक पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो पार्ट वो एब्जॉर्ब करेगा वो हमको दिखाई नहीं देता है बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए घास का रंग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ग्रास इज ग्रीन इन कलर, घास जो होता है वो हरा होता है। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि भाई घास हरा क्यों होता है, तो आइए देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि घास आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो घास ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो उसने एनर्जी जो है वो ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं किया है, उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है विब्रियो से विजिबल लाइट से उसने यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा वो कलर एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है। मैं कलर एनर्जी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे रेड पार्ट उसने जो है एनर्जी का वो विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब किया है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वायलेट वो हमको दिखाई पड़ेगा, इसलिए घास जो होता है ग्रीन दिखाई देता है। क्लियर है, और क्लियर करते हैं हम लोग इसको। एक एग्जांपल लेते हैं ब्लू विट्रियोल का, तो आप लोग जानते हैं पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट जो होता है इट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल, कलर नीला होता है, फॉर्मूला ये होगा। ब्लू विट्रियोल के अंदर जो पेंटाहाइड्रेट होता है उसमें से 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं और जो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एच बॉन्डेड रहता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है जिसमें से 4 मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम करेंगे और सल्फेट आयन जो होगा वो यहाँ पे काउंटर आयन होगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन वो अंडरस्टूड है या प्लस 2 है तो सल्फेट इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए सल्फेट आयन ही आने वाला है। हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कलर आता है, तो ये कलर व्हील तो आपको क्लियर हो गया है, डाउट नहीं है। फिर से जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वो यहाँ पे फिर से समराइज किया है। आप देख सकते हैं कि रेड कलर से लेके जब आप लोग वायलेट कलर की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी बढ़ता है, यानी वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा और सबसे कम एनर्जी रेड का होगा। इसी तरह जब हम लोग वायलेट से मूव करेंगे रेड की तरफ तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ता है, रेड कलर के लिए वेवलेंथ का वैल्यू हाईएस्ट होगा और वायलेट के लिए सबसे लीस्ट होगा। अब लोग बात करते हैं आगे चल के कि कलर आया क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ब्लू विट्रियोल के अंदर ब्लू कलर आ रहा है। अब लोग बोलते हैं कि भाई डीडी यहाँ पर जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये कलर देगा, नहीं ये कलर नहीं देता है, मैं आपको आगे चल के क्लियर करूंगा। हम लोग पहले जानते हैं कलर क्यों आया, तो कोई अगर आपसे पूछता है तो स्पेशली आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डीडी ट्रांजिशन
अकरेंस होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जब आप लाइट में एक्सपोज करेंगे, विजिबल लाइट में अभी डिस्कस किया, कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं ब्लू विट्रियोल की, तो उसे कलर ब्लू होता है। अब सर एक बात बताइए कि ब्लू कलर आपको विजिबल हो रहा है तो ब्लू कलर का लाइट तो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, बल्कि उसने क्या एब्जॉर्ब किया होगा, ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज उसने एब्जॉर्ब किया है, यानी आपने विजिबल लाइट में से उसने ऑरेंज पार्ट जो है, ये वाला एनर्जी पार्ट जो है, ये एब्जॉर्ब किया है और इसीलिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको ब्लू इस दिखाई पड़ रहा है, स्काई ब्लू होता है। क्लियर है आपको? चलिए, अब वो हमको ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा है, तो ब्लू कलर का जो ओरिजिन हुआ है इट इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। अब डीडी ट्रांजिशन क्या होता है आइए देखते हैं। जब ब्लू विट्रियोल बनता है तो वाटर यहाँ पे लिगेंड, आप जानते हैं कि कॉपर के साथ में चार लिगेंड, चार वाटर लिगेंड मॉलिक्यूल ने बॉन्डिंग किया हुआ है कोऑर्डिनेट। तो जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इट कम्स थ्रू द एक्सिस, ये एक्सिस के थ्रू आता है, और जब उसके यहाँ पर लिगेंड मेटल आयन के पास आएगा तो ये जो आप देख रहे हैं दीज डी ऑर्बिटल्स आर डी जनरेट, इनके एनर्जी सेम है, लेकिन जब यहाँ पर लिगेंड आएगा तो यहाँ पे मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर डी जेनरेसी विल बी लॉस्ट, डीजेनरेसी विल बी नो मोर, डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल आप देख रहे हैं दो तरह के सेट में डिवाइड हो गए हैं, एक सेट जो ये तीन ऑर्बिटल्स का बना है और एक सेट दो ऑर्बिटल का बना है, इनको बोलते हैं टीजी ट्रिपली डीजेनरेट, यानी तीनों की एनर्जी सेम है। यहाँ पे देखते हैं इसको बोलते हैं डबली डीजेनरेट, इन दोनों की एनर्जी सेम है, ये लो एनर्जी डी ऑर्बिटल बना और ये हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल बना। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स रेडी है। होता क्या है कि यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स ब्लू विट्रियोल को आप लाइट में, विजिबल लाइट में आप रखेंगे तो इस लाइट का ये कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, एच न्यू से दिखाया हुआ है, और एनर्जी एब्जॉर्प्शन होने के बाद आप पढ़ चुके हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर ने ये क्लियर किया था कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इट विल जंप फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। तो भाई यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि दो तरह के डी ऑर्बिटल हैं, एक वो जिसकी एनर्जी कम है, एक वो जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने यानी टी टू जी ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकता है और बारी बारी से सारे इलेक्ट्रॉन एक एक करके जंप करते हैं। अब यहाँ पे इसने ये देखिए, मैं इसलिए उसको फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लो एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में मूव किया, यानी कि एक्साइटेड हो चुका है हमारा इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको पता है कि 10^-6 सेकंड से लेके ही वो वहां पर एग्जिस्ट कर सकता है, रुक सकता है, 10^-8 से 10^-6 सेकंड तक ही रुक सकता है हाई एनर्जी स्टेट में, उसके बाद फिर उसको वापस उसी एनर्जी लेवल में आना पड़ेगा जहां से वो गया था। तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है एक्साइट होकर, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बस यही है सर वो रेडिएशन जो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, और इस